भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर पंडित श्याम प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें भाजपा के जिला महामंत्री देवेश पाठक के नेतृत्व में महावन अकोश अनोड़ा बलदेव दीनदयाल धाम में लगभग 10 बूथों पर वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान हुई बातचीत में देवेश पाठक ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जमीन पर रहकर कार्य करती है। आज कोरोना काल में भाजपा के अलावा कोई भी दूसरी पार्टी या कोई भी और नेता नहीं दिख रहा है जो आम जनमानस की मदद के लिए आगे आ रहा हो। मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, अन्य सरकार उन कामों को छोटा समझकर बचती रही हैं। आज चाहे प्रत्येक घर में शौचालय बनवाना हो या फिर जनधन खाते हो या फिर उज्ज्वला योजनाएं, ये सभी योजनाएं गरीब दलित पिछड़े सभी लोगों के लिए हैं। अगर योजनाओं के नाम गिनाए जाएं तो पूरा दिन निकल जाएगा। आज एक महान शख्सियत का जन्म दिवस है, इस मौके पर पार्टी के द्वारा 10 बूथों पर वृक्षारोपण किया गया है। जी की स्मारक के सामने खड़े हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा श्याम प्रसाद मुखर्जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया सरकार की तरफ से। उस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम पूरे जिले में हमने वृक्षारोपण कार्यक्रम कराया है। जैसे जैसे प्रत्येक विधानसभा में कार्यक्रम हुए, प्रत्येक मंडल में कार्यक्रम हुए, हम पीछे भी कार्यक्रम करते हैं। राया में कार्यक्रम कराया है, अकोश में हो ही रहा है, बलदेव में हो चुका है, महावन में हो ही चुका है, अब हम फरे जा रहे हैं, ओल जा रहे हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है प्रत्येक मंडल में कम से कम 20 बूथों पर कार्यक्रम हो जाए, और ये कार्यक्रम सफल भी होता जा रहा है। कुछ जगह रहेंगी वहाँ हम पहुँच रहे हैं, समय भी थोड़ा कम है, और इसके लिए मैं सब कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूँ। मेरे साथ हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री आदरणीय सत्यपाल जी भाई साहब, हमारे जिला मंत्री पीयूष जी, और महावन मंडल के महामंत्री सूर्य प्रताप जी, आदेश जी, और यहाँ के मंडल अध्यक्ष अकोश के आदरणीय श्यामवीर जी, शालग्राम जी, रमन सेठ जी, महामंत्री राया। तो इन सब कार्यकर्ता